क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम आने वाली है भारत में, जहां भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला जाएगा पहला ओडीआई मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें, अहमदाबाद के मैदान पर शुरू होने वाला है पहला वनडे मुकाबला दोपहर 1 बजे से संडे के दिन। इसी के लिए भारतीय टीम तूफानी तरीके से नेट्स में प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है। 206 फरवरी दोपहर 1 बजे से मुकाबला शुरू होने वाला है। दोस्तों आप सभी को बता दें, इसी के लिए विराट कोहली नेट्स में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं, केएल राहुल अपनी वाइस कप्तानी की तैयारी कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा अपनी कप्तानी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों विराट कोहली के ऊपर प्रेशर नहीं है, तो जाहिर सी बात है विराट कोहली तूफानी बल्लेबाजी करेंगे। आइए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। दोस्तों भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल व जसप्रीत बुमराह। दोस्तों आप सभी को बता दें, भुवनेश्वर कुमार की जगह कोई दूसरा भी खिलाड़ी उनकी जगह ले सकता है। केएल राहुल की जगह शिखर धवन सलामी बल्लेबाज बनकर आते हैं रोहित शर्मा के साथ, तो केएल राहुल मध्य क्रम में आएंगे, जिसके चलते भुवनेश्वर कुमार की जगह चली जाएगी और उनकी जगह रविचंद्रन अश्विन लेंगे। ऐसे में भारतीय टीम की मैनेजमेंट में लगभग 2 से 3 बड़े बदलाव जरूर होंगे इस ओडीआई टीम में। दोस्तों वेस्ट इंडीज एक घातक टीम मानी जा सकती है, जिसके चलते भारतीय टीम काफी ज्यादा तैयारियों में लगी है, क्योंकि पिछली सीरीज की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई थी भारतीय टीम की, जहां भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था वनडे श्रृंखला में, जहां 3-0 से साउथ अफ्रीका जैसी टीम ने मात दी थी भारतीय टीम को, जिसके चलते भारतीय टीम काफी तूफानी प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वेस्ट इंडीज के सामने भारतीय टीम पहला वनडे मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला, तो आइए आप सभी को बताते हैं तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों टॉस जीता केएल राहुल ने और साउथ अफ्रीका को बुलाया पहले बल्लेबाजी करने के लिए धाकड़ मुकाबले में। ऐसे में तूफानी मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक और जाने मरन मलान बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों शुरुआत साउथ अफ्रीका की खराब रही, जहां साउथ अफ्रीका को पहला झटका भारतीय टीम ने दिया दीपक चहर ने, जो कि पहला मैच खेल रहे थे सीरीज का। इस गेंद को जाने मरन मलान पढ़ नहीं पाए, बल्ले का हल्का सा एज लेकर गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, पहले विकेट साउथ अफ्रीका की गिरी, मात्र 1 रन पर आउट हो गए जाने मरन मलान। ऐसे में 8 रन पर पहली विकेट गिरी दोस्तों साउथ अफ्रीका की। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए थे कप्तान तैम्बू बुआमा, ये भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों 8 रन बनाकर रन लेने के लिए इस गेंद पर तेजी से दौड़ने लगे थे तैम्बू बुआमा सिंगल चुराने की कोशिश में, तो वहीं कप्तान केएल राहुल ने डंडाधुन डायरेक्ट हिट मार दी और ये डायरेक्ट हिट लग भी गई। इसी के चलते तैम्बू बुआमा को रन आउट होना पड़ा मात्र 8 रन पर और बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। उसके बाद आए एडम माकरम बल्लेबाजी करने के लिए, दोस्तों ये भी ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। 15 रन बनाकर दीपक चहर की शॉर्ट गेंद को पढ़ नहीं पाया एडम माकरम और ऐसे में गेंद हवा में जा रही थी और गेंद के नीचे आ गए सीधी तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ जो सबसीडर फील्डर थे, यहीं पर एडम माकरम की विकेट भारतीय टीम को मिली। 15 रन पर एडम माकरम भी आउट हो गए। अब बात कर लेते हैं इस मुकाबले के स्टार बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक की। दोस्तों इन्होंने इस मुकाबले में हद से ज्यादा तूफानी बेहतरीन व शानदार बल्लेबाजी की। पिछले मुकाबले में भी इन्होंने शतकीय पारी खेली थी और इस मुकाबले में भी इन्होंने शतक लगाया। दोस्तों आप सभी को बता दें, पहले तो क्विंटन डिकॉक ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अपना अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों ये तो शुरुआत थी क्विंटन डिकॉक की तूफानी बल्लेबाजी की। उसके बाद उन्होंने अपनी पारी को इतनी बड़ी कर दी कि जिसकी कोई इम्तिहान नहीं है। दोस्तों इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक ने 124 रनों की तूफानी पारी खेली 130 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 2 छक्के व 12 चौके जड़े। ऐसे में 124 रन पर बुमराह की शॉर्ट गेंद को पढ़ नहीं पाए क्विंटन डिकॉक और गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में। ऐसे में इसी के साथ क्विंटन डिकॉक की बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को, जो 124 रन जैसी धाकड़ पारी खेलकर आउट हो गए बुमराह की गेंद पर शिखर धवन को अपना कैच लेकर। उनके बाद वैंडर डूसन ने भी तूफानी अर्धशतक लगाया। अफ्रीका की बल्लेबाजी हद से ज्यादा घातक साबित हो रही थी। दोस्तों वैंडर डूसन ने भी इस मुकाबले में 52 रनों का तूफानी अर्धशतक लगाया, वो भी सिर्फ 59 गेंदों में, जिसमें से वंदर दूसान ने 1 छक्का व 4 तूफानी चौके जड़े थे। ऐसे में 52 रन पर जब वो खेल रहे थे तो चहल ने उन्हें इस गेंद पर फंसाया। इस गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में वंडर डूसन बड़ा शॉट खेल बैठे और गेंद के नीचे श्रेयस अय्यर आ गए। ऐसे में वैंडर डूसन की विकेट भारतीय टीम को मिली 52 रन पर। दोस्तों यहीं तक साउथ अफ्रीका का स्कोर हद से ज्यादा आगे निकल चुका था। बची गुजी की सर स्कोर कार्ड को आगे ले जाने की डेविड मिलर ने की, जिन्होंने इस मुकाबले में बेहतरीन पारी खेली। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, अंत में आकर साउथ अफ्रीका ने विकेटें खोई आखिरी में, जान के पास फिलक वायु 4 रन बनाकर रन आउट हो गए, तो उनके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने पिटरसन को 20 रन पर आउट किया। उनके बाद महाराज भी 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम ने 287 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए और साउथ अफ्रीका की टीम ऑल आउट होकर रह गई। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर ऑल आउट हुई और भारतीय टीम को टारगेट दिया इस तूफानी मुकाबले को जीतने के लिए 288 रनों का।
288 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल और शिखर धवन सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन इस मुकाबले के एक और बार केएल राहुल फ्लॉप हो गए। दोस्तों इस गेंद को पढ़ नहीं पाए केएल राहुल, लुंगी ने गिरी की और स्लिप में खड़े चनमन मलान को अपनी कैच दे बैठे और इस तूफानी मुकाबले में अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों एक और बार मात्र 9 रन बनाकर निगड़ी की गेंद पर मलान को अपनी कैच देकर केएल राहुल आउट हो गए। उनके बाद गब्बर शिखर धवन और विराट कोहली के बीच में बेहतरीन साझेदारी हुई और गब्बर शिखर धवन ने एक और अपना तूफानी अर्धशतक लगाया। यह सीरीज का उनका दूसरा अर्धशतक था, लेकिन वो भी अर्धशतक को शतक में कन्वर्ट नहीं कर पाए। दोस्तों फिलिप वायु की शॉट गेंद को पढ़ नहीं पाए शिखर धवन और नीचे आकर क्विंटन डिकॉक ने उनकी कैच पकड़ी और शिखर धवन रोते हुए 61 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में उनके बाद कप्तान विराट कोहली ने भी अपना तूफानी अर्धशतक लगाया। दोस्तों ये भी सेट हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि आज अपनी सेंचुरी जरूर पूरी करेंगे विराट कोहली, लेकिन उनके फैंस का सपना आधा अधूरा ही रह गया, क्योंकि जब 65 रन पर आ चुके थे कप्तान विराट कोहली तो 65 रन लगाकर महाराज की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और गेंद के नीचे बबूमा आ गए और इसी के साथ 65 रन पर विराट कोहली को भी पवेलियन का रास्ता दौड़ना पड़ा। उनके बाद ऋषभ पंत आते ही गैर जरूरी शॉट खेलकर आउट हो गए। दोस्तों इस गेंद को पढ़ नहीं पाए फिलक वायु ऋषभ पंत बड़ा शॉट खेलने ही चक्कर में सीधा मंगाला के हाथ में कैच दे बैठे। ऐसे में अपनी विकेट काफी बचपना शॉट लगाकर ऋषभ पंत गवा बैठे, वो भी सिर्फ 0 रन पर, जब भारतीय टीम को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी। उनके बाद श्रेयस अय्यर आए थे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए, ये भी 26 रन लगा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि ये सेट हो गए हैं, लेकिन एक और बार शॉट गेंद के चक्कर में फंस गए श्रेयस अय्यर। 200 पुल शॉट खेला श्रेयस अय्यर ने और गेंद के नीचे आ गए फिलक वायु। मंगाला की गेंद पर श्रेयस अय्यर 26 रन बनाकर आउट हो गए। उनके पास सूर्य कुमार यादव आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, जो सीरीज का पहला मुकाबला भी खेल रहे थे। 39 रन बनाकर पीटरसन की इस गेंद पर बबूमा को अपनी कैच दे बैठे सूर्य कुमार यादव और 11 रन से अपने अर्धशतक से दूर रह गए। इसी के साथ 39 रन बनाकर आउट हो गए सूर्य कुमार यादव। उनके बाद आया दीपक चहर का तूफान। दोस्तों यहां से ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मैच बदल कर रख देगी, क्योंकि जिस हिसाब से दीपक चहर बल्लेबाजी कर रहे थे वो काबिले तारीफ थी, लेकिन दूसरे एंड से विकेटें जा रही थी। दोस्तों आप सभी को बता दें जयंत यादव मात्र 2 रन बनाकर इस मुकाबले में लुंगी निगड़ी की गेंद पर बबूमा को अपनी कैच दे बैठे और आउट हो गए। तो उनके बाद दीपक चहर जो कि अर्धशतक लगा चुके थे, ये भी मात्र 54 रन बनाकर अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे, जो मैच बदल रहे थे। ऐसे में यहां से पूरी तरह से मैच बदल गया। उनके बाद जसप्रीत बुमराह आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो भी 12 रन बनाकर फिलिप वायु की गेंद पर बबूमा को अपनी कैच दे बैठे। दोस्तों अब यहां से मुकाबला बदल चुका था, क्योंकि 10 गेंदों पर 7 रनों की दरकार थी और बुमराह की भी विकेट गिर चुकी थी और अब मुकाबला आखिरी ओवर में आ गया था, जहां 6 गेंदों पर 6 रनों की दरकार थी और विकेट सिर्फ एक था। चहल ने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को खेला और गेंद गई सीधा हवा में। दोस्तों जाकर गेंद गई फील्डर के हाथ में और आखिरी विकेट थी भारतीय टीम के पास। इसी के साथ भारतीय टीम में मुकाबला भी हार गई। जी हाँ दोस्तों, एक विकेट चाहिए था साउथ अफ्रीका को, वो युजवेंद्र चहल ने दिया। अगर टेस्ट कर भी 5 रन ले लेते तो 5 गेंदों पर 5 रन बन सकते थे, लेकिन भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा और साउथ अफ्रीका ने वनडे सीरीज को जीत लिया है 3-0 से और भारतीय टीम को व्हाइट वॉश कर दिया है। दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट एक बार जरूर बताएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत और साउथ अफ्रीका का दूसरा वनडे मुकाबला। दोस्तों दूसरा वनडे मुकाबला भी साउथ अफ्रीका की टीम ने शानदार तरीके से जीत लिया 7 विकेटों से। इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम एक और बार सीरीज की विजेता बन चुकी है, जहां 2-0 से साउथ अफ्रीका ने सीरीज को अपने नाम कर लिया है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम समरी की बात करें तो इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते भारतीय टीम स्कोर कार्ड पर ज्यादा बड़ा टोटल नहीं लगा पाई। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में 287 रन लगाए थे भारतीय टीम ने। ऐसे में तेरे टारगेट का पीछा करते हुए क्विंटन डिकॉक और उनके साथ चनमन मलान के 51 रनों की तूफानी पारी की बदौलत भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 विकेटों से इस तूफानी मुकाबले में हरा कर रख दिया था। दोस्तों आप सभी को बता दें राहुल की कप्तानी में पहली बार ऐसा हुआ है कि साउथ अफ्रीका के मैदान पर एक डेब्यूट कप्तान सीरीज हारा है, लेकिन दोस्तों इस चीज के 3 कारण है। दोस्तों सबसे पहले पल ये मुकाबले का, जहां ऋषभ पंत सिंगल को लेने के चक्कर में केएल राहुल को लगभग रन आउट ही करा दिए थे। दोस्तों आधी क्रीज से भी ज्यादा आ चुके थे रन लेने के लिए केएल राहुल आगे, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें तभी केएल राहुल की किस्मत ने साथ दी और केशव महाराज ने गेंद को पकड़ा नहीं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उतने में ही केएल राहुल वापस आ गए मैदान के अंदर। उसके बाद ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी कर दिखाई और 85 रनों की पारी खेली, लेकिन उसके बाद केएल राहुल को एक और जीवन दान मिला। दोस्तों इस गेंद पर केएल राहुल ने कड़क शॉट खेला था, वो भी सीधा सामने की ओर। ऐसे में जैसे ही बल्ले को गेंद लगी तो गेंद जा रही थी सीधा सामने खड़े जानेमन मलान के हाथों में। जानेमन मलान ने पकड़ कर भी गेंद स्लिप होकर छूट गई उनके हाथों से और उन्होंने कैच ड्रॉप कर दी। दोस्तों एक ही मैच में 2 बड़े और शानदार जीवन दान मिले केएल राहुल, लेकिन इसका नतीजा क्या आया? दोस्तों केएल राहुल मात्र 55 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि 2 जीवन दान मिलने के बाद एक प्लेयर सेंचुरी या फिर डबल सेंचुरी मारता है। दोस्तों उनसे अच्छी बल्लेबाजी तो ऋषभ पंत ने की, जिन्होंने 85 रनों की पारी खेली। ऐसे में एक कप्तान होते हुए केएल राहुल ने काफी खराब पारी खेली, जिसका नुकसान भारतीय टीम को यह सीरीज हार कर चुकाना पड़ा। दोस्तों आप केएल राहुल की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें एक बार जरूर बता देवे जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम दक्षिण
दक्षिण अफ्रीका के बीच में दूसरा वनडे मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की धमाकेदार हाइलाइट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। उस मुकाबले में केएल राहुल ने टॉस जीता इस बार और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। केएल राहुल और उनके साथ शिखर धवन भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज बनकर आए और भारतीय टीम की इनिंग की तूफानी तरीके से शुरुआत की। जैन के पासक गब्बर शिखर धवन ने अपनी फॉर्म को बरकरार रखा और शुरुआत में कुछ चौके लगाकर अच्छी स्टार्ट दी, लेकिन उसके बाद मार्कम की इस गेंद पर छक्का लगाने की चाह में स्वीप शॉट तो खेल बैठे शिखर धवन, लेकिन गेंद बाउंड्री तो नहीं जा पाई लेकिन फील्डर के हाथ में चली गई। काफी ज्यादा दूर मारने के चक्कर में शिखर धवन अपनी विकेट गवा बैठे। 229 रन बनाकर मार्कम की गेंद पर शिखर धवन 29 रन पर आउट हो गए। उनके बाद किंग कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे, महाराज उनके सामने गेंदबाजी करने आए और पहली गेंद पर तूफानी तरीके से महाराज ने फंसाया इस गेंद पर विराट कोहली को शॉट मारने के चक्कर में ये भी सामने खड़े कप्तान साउथ अफ्रीका के टेम्पो बुआमा को अपनी कैच दे बैठे और यहीं पर बड़ा झटका लगा भारतीय टीम को। मात्र 0 रन बनाकर महाराज की गेंद पर बुआमा को अपनी कैच देकर कोहली मात्र 0 रन पर आउट हो गए। दोस्तों ये सबसे बड़ी सफलता मिली साउथ अफ्रीका की टीम को। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे केएल राहुल जो पहले सलामी बल्लेबाज थे, उनके साथ बल्लेबाजी करने आए थे ऋषभ पंत। दोनों ने मिलकर मैदान पर बेहतरीन साझेदारी निभाई। दोस्तों उस मुकाबले में ऋषभ पंत ने अपने टेस्ट की फॉर्म को बताया और केएल राहुल ने भी सिंगल डबल की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 100 से ज्यादा रनों की बेहतरीन साझेदारी हो रही थी, लेकिन तभी 55 रन पर केएल राहुल इस शॉट को खेलकर सामने खड़े वैंडर डूसन को गलती से अपनी कैच दे बैठे और यहीं पर केएल राहुल की बड़ी विकेट गिरी। 55 रन बनाकर कप्तान केएल राहुल आउट हो गए। मंगाला की गेंद पर वैंडर डूसन को अपनी कैच देकर उनके बाद ऋषभ पंत ने तूफानी बल्लेबाजी की, वो भी तूफानी बल्लेबाजी कर अपने अर्धशतक तक पहुंच गए थे और इनकी नजरें थी अब सबसे बेहतरीन शतक के ऊपर।